नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ और उसके जनरल नॉलेज वाले पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुल मिला के 150 क्वेश्चन आए थे, उसके सभी क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर बताएंगे और आप इससे चेक कर सकते हैं कि हमने एग्ज़ाम में क्या आंसर लगाया, क्या हमारा सही है या गलत है। तो मित्रों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने था, नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पर किया। तो मित्रों यहाँ का जो सही आंसर था वो था बी, जयपुर। जयपुर सही आंसर था, आई होप आपने भी यही लगाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता हैं। तो मित्रों इसका जो सही आंसर था वो था ए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ठीक है, इसके विजेता कौन थे, राजेंद्र कुमार भंडारी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पे हुआ। तो इसका जो सही आंसर था वो था मित्रों जोधपुर। ठीक है, आई होप आपने भी यही लगाया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया। तो मित्रों इसका जो सही आंसर था वो था नीति आयोग। ठीक है, ये आंसर सही था, नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की थी। और इसका जो सही आंसर है वो हमारा देश भारत। ठीक है, भारत। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो मित्रों इस 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, DRDO। ठीक है, DRDO। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुषी का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो आयुषी का जो फुल फॉर्म है मित्रों वो है 3 नंबर, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज। ठीक है, तो यह सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है वस्त्र। ठीक है, किस संबंधित है, वस्त्र से। नेक्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। और 9 नंबर के जो सही आंसर हैं वो है गिरीश सी मुर्मू। ठीक है, गिरीश सी मुर्मू सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अगला है, राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, वह किस देश ने, भारत ने खरीदा। तो मित्रों सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और उसका सही आंसर था फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से लगाकर 24 जनवरी 2021 को यहाँ पर आयोजित हुआ। तो मित्रों ये भी आपका सही आंसर होगा और यहाँ पे है बी, गोवा। ठीक है, गोवा। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, COVID-19 संक्रमण से बचाव के टीके को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर था वो था मित्रों 2 से लगाकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेपा उद्योग इसके लिए प्रख्यात है, नेपा जो नेपा है उद्योग किसके लिए प्रख्यात है। तो वो है मित्रों अखबारी कागज़ के लिए। ठीक है, किसके लिए, अखबारी कागज़ के लिए मित्रों। ठीक है, सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किस शैल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अधिसिलिक शैल। ठीक है, अधिसिलिक शैल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर, इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मित्रों यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, गोदावरी। ठीक है, मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ मित्रों। ठीक है, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, क्यों आप मतलब नहीं है। ठीक है, डिटेल में बाद में आप कभी चर्चा करेंगे इस बारे में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये मित्रों है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए,
17 नंबर, इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? खरीफ की फसल आपको बतानी है, सही आंसर कौन सा होगा? तो 17 नंबर का जो सही आंसर होगा मित्रों, बाजरा। ठीक है, बाजरा खरीफ की फसल है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों 18 नंबर का जो सही आंसर है वो है नागपुर। ठीक है, कहाँ पर है? नागपुर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 19 का जो सही आंसर होगा NH 44। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, एक अनुपात 50,000 के पैमाने पर नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा? तो मित्रों इस 20 का जो आंसर है वो है मित्रों 5 किलोमीटर। ठीक है, क्या है? 5 किलोमीटर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है और सही आंसर करके आए होंगे 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो 22 नंबर का जो मित्रों जो सही आंसर है वो है बी, जैसलमेर यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो 23 नंबर का जो सही आंसर होने वाला है वो है मित्रों सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए 24, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो मित्रों सबसे बड़ा है जैसलमेर 38,401 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है नागौर, उसके बाद है टोंक। तो मित्रों यहाँ पे सही आंसर देखिए 1, 2, 3, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया गया? तो मित्रों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 25वां, तो आपको सभी को पता होगा वो जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ठीक है, तो सभी को पता है गुरु शिखर 17। ठीक है, गुरु शिखर। नेक्स्ट देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का मित्रों सही आंसर है वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो मित्रों 28 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा भरतपुर। ठीक है, क्या होगा? भरतपुर। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? तो मित्रों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा से आप पढ़ते आए, वो कौन सा है? खेतड़ी। ठीक है मित्रों, तो सही आंसर कौन सा होगा? खेतड़ी। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? 30 नंबर का जो मित्रों सही आंसर है वो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए 31, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए, तो मित्रों जवाई बांध पाली के अंदर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, उमेश सागर भिलवाड़ा के अंदर, माई बजाज सागर, ये गलत है। तो बजाज सागर कहाँ पे है? भिलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो मित्रों ये ध्यान में रखना है, बजाज सागर ये गलत है। इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? तो मित्रों कौन सी होगी सही आंसर? यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, जोड़ा बनाइए और दिए कूट में सही उत्तर चुने। जोड़ा बनाना है और सही आंसर अपना चूज करना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए,
पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। और मित्रों इसका जो सही आंसर होने वाला है बी है, केवला देव कहाँ पे, घना पक्षी विहार बी। फिर नेक्स्ट है बाघ परियोजना, बाघ परियोजना कहाँ पे, मुगुंद्रा राष्ट्रीय, ये रणथंभौर, ठीक है, बाघ परियोजना कहाँ पे, रणथंभौर में। और काला अभयारण्य, ये काला हिरण अभयारण्य ये कहाँ पे, तालछापर चूरू के अंदर, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे आप देखिए सही आंसर क्या हो रहा है, तो 33 का मित्रों डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है, तो सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा गेहूँ श्री गंगानगर जिले के अंदर। नेक्स्ट देखिए 35, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय कौन सी, मित्रों ये पूछा है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो मित्रों यहाँ पे सही आंसर अपना होगा 35 का डी, मूंगफली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है, ठीक है। तो मित्रों सही आंसर 36 का, 36 का है मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश। आगे बता, 386 मेगावाट इससे बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें 50% राजस्थान का भाग है और 50% मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये आपने सबने पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है, तो 37 का जो सही आंसर है मित्रों वो है सी, जयपुर और जोधपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में मिट्टी की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र, ठीक है। मित्रों सभी को बताओगा 38 में ए आंसर, ठीक है, मोलेला, मोहनलाल कुमावत, आपने सुना होगा, ठीक है, इसमें प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती हैं, तो 39 का जो मित्रों हमारा सही आंसर है वो है रिको, ठीक है, कौन सी, रिको। मित्रों प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखना, अभी जो पेपर हुआ था किसका, SCF का, तो उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान रखा आगे जो पेपर होने वाले हैं पटवार का हो और या और कोई भी, तो उसमें इन पेपरों को जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो मित्रों 40 का जो सही आंसर है वो है सी, नौखा जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है, तो 41 का जो सही आंसर है भामाशाह योजना, कौन सी, भामाशाह योजना या मित्रों सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो 42 का मित्र सही आंसर है वो है जयपुर, ठीक है, जयपुर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, मित्रों ध्यान से देखिए, ये नई ये जो शब्द आते हैं बीच बीच में इनको जरूर ध्यान रखना, इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 43 का जो सही आंसर है मित्रों सी, तारागढ़ के किला, ठीक है, इसको शामिल नहीं किया है। अब ट्रिक पढ़ते हैं, चीकू काजराम, ठीक है, उसे एक आंसर सही हो जा सकता है आपका। तो नेक्स्ट देखिए, कान्हरदेव पर्वत किसके द्वारा रचित है, मित्रों सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम बार बार पूछा जाता है, वो है पद्मनाभ, ठीक है, पद्मनाभ। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है, तो भी तो हर जगह नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जरूर ध्यान रखना आपको, ठीक है, और बार बार पूछा जाता है, और इसका जो सही आंसर है मित्रों सी, बाबा रामदेव जी का मेला, ये फाल्गुन महीने में, ठीक है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है, तो मित्रों ये कौन सा है आपको बताना है, 46, और इसका जो सही आंसर कौन सा है सी, कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया इसका सही आंसर होगा, और आपने यह एग्जाम में किया भी होगा, आपका सही भी हुआ होगा। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढा चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय, यानी कौन सी नहीं आती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
47 के अंदर अपन बात करें तो डी नहीं आती, बूंदी, ये हाड़ौती चित्त शैली के अंदर आती है, तो ये बात में आपको ध्यान में रखना है। बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। 48 की बात करें तो इसका सही आंसर है रावण हत्ता, ठीक है, रावण हत्ता इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर देखिए, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराट नगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है। मित्रों बहुत ही सिंपल है, अगर आपने बेसिक जानकारी हो तो आप बता सकते हो। तो मित्रों सही आंसर है बैराट, ठीक है, बैराट इसका सही आंसर है। अगला देखिए 50 नंबर, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। मित्रों सभी को बताएं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सही है कौन सा है, बूंदी मित्रों सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है मित्रों, तो सभी को पता होगा जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अपन कहाँ जाते हैं, माउंट आबू, ठंडे प्रदेश के अंदर। तो सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे माउंट आबू सही आंसर होगा। अगला देखिए 52 नंबर, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए ये स्थान जाना जाता है। ट्रेन से जा रहे होते हैं तो अपन खाते कहते हैं कि यहाँ की अपन को तिलपट्टी खानी चाहिए, तो मित्रों कौन सा है, ब्यावर, ब्यावर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो मित्रों सबसे पहले राजस्थान में ऊँट लेकर कौन आए थे, पाबू जी, तो पाबू जी को ही ऊँटों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। पंडित जसराज का संबंध, ठीक है, किस गायकी से है, तो 54, तो 54 मित्रों मेवाती गायकी, ठीक है, मेवाती से आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, तो वह है मित्रों जयपुर के अंदर। 55 की बात करें तो कहाँ पे, जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती हैं। तो मित्रों 56 की बात करें तो 56 का सही आंसर होगा मेवाड़ी, कौन सी, मेवाड़ी। नेक्स्ट देखिए, दमना एक गहना है जो पहना जाता है, दमना कहाँ पर पहना जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो मित्रों उंगली के अंदर पहना जाता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मित्रों, निम्न में से शिलालेख प्रस्थिति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। तो मित्रों दिलवाड़ा, दिलवाड़ा यहाँ पे मित्रों गलत होगा, 1434 ईस्वी सही आंसर है इसका। तो मित्रों ये गलत हो गया, तो सही की अपन बात करें तो केवल वन और थर्ड देखिए बी नंबर में बी सही है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही क्रम कालानुक्रम को बताइए। मित्रों सभी को पता होगा, क्या लिखूं, 1192, खानवा 1527, ठीक है, हल्दीकाटी 1576, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर कौन सा हो गया, तो मित्रों सही आंसर हो गया यहाँ पे 59 नंबर, एक मिनट